सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आप देख रहे होंगे मैं हर वक्त अलग अलग जिम में वीडियो बना रहा हूँ। ये जिम बहुत अच्छा लगता है मुझे लाइटिंग को लेके। और एक जिम लगता है जो मैंने मन्नू के साथ ट्रेन किया था, वहाँ भी पूरा ब्लैक थीम था। और ये जिम का वॉशरूम बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप इधर दिखा देता हूँ पहले, ये देखो, लगे आपको आप राजा महाराजा हो। ठीक है, होस्टल पूरा गोल्ड प्लेटेड टाइप का है। बाकी ये जिम मॉडल टाउन में आता है, पी क्यूब फिटनेस नाम है। मैं दूसरा बार ट्रेन कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ ट्रेन करने में लाइटिंग को लेके। बाकी आज का जो मेन सेट होने वाला है वो मैं बेंच करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं सोचा भाई वीडियो बनाता हूँ। आज मेरा प्लान है 140 या 150 सिंगल्स लेने का। अभी देखो, कभी भी मैं दूसरे जिम में ट्रेन करता हूँ तो मैं दो तीन चीज़ देखता हूँ। अगर मैं पावर लिफ्टिंग बेंच कर रहा हूँ तो बेंच कैसा है, बेंच आपको सही से फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बार कैसा है, अनरैकिंग कैसा है। क्योंकि एज एन पावर लिफ्टर जब भी हम हेवी लिफ्ट करते हैं, ये सब चीज़ अपने पावर लिफ्टिंग जिम में वो सब रहता है। बट आप कोई कमर्शियल जिम में जाते हो तो आपको वो चीज़ सोच के करना पड़ता है। आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि भाई यहाँ ये दिक्कत है, वहाँ वो दिक्कत है। अगर आपको हेवी करना है तो आप पावर लिफ्टिंग वाले जिम में जाओ, और अगर कमर्शियल जिम में जा रहे हो तो आप अपनी सोच के करो कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए और इंजरी आपको होगा, किसी और को नहीं। बाकी अभी मैं बल्क पे हूँ एंड अभी मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कावड़ लेके जाना है एक वीक के बाद देवघर, जो झारखंड से बिहार जाते हैं एंड फिर वहाँ से जल उठा के 3 दिन का ट्रैवल होता है, 3 दिन वॉक करना पड़ता है। सो आई विल बी डूइंग दैट अगेन, क्योंकि आप जानते हो कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ एंड ये टैटू भी मैंने महादेव का ही बनाया है एक वीक के पहले। बाकी अभी चलते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी मैं 1 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ मेट्रो में। बाकी अभी बज रहे 4, सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ, 50 ग्राम ओट्स पे हूँ। बट एज़ यू नो, वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए एंड मैं घर से दूर भी आया हूँ उसके लिए, तो फटाफट बनाते हैं एंड आपको दिखाते हैं कैसा होगा। यहाँ पर मैं पोजिंग भी करूँगा इसी जगह में आके, क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी है एंड क्वालिटी देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेट्स गो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना अभी ही चैनल को एंड चलते हैं और दिखाते हैं आज का टॉप सेट। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. स्टार्ट करना है बेंच, और बेंच में एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रेस्टेंट बैंड है वो बहुत लोग पूछते हैं मुझसे आप क्यों लगाते हो। जब भी मैं आर्च करता हूँ ना, तो मेरा आर्च को बॉडी को स्टेबल करने के लिए ये बैंड बहुत बढ़िया यूज़ होता है, क्योंकि इसका ये जो बेंच है ये थोड़ा स्लिपरी है। मैं अगर 2-3 रेप करूँगा तो मेरा आर्च कम हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टिंग का पहला रेप में आर्च ज़्यादा बनाते हो और 2-3 रेप के बाद आपका आर्च ख़त्म हो जाता है, तो आप ऐसा बैंड खरीद लो। पर्सनली अगर कोई ये जिम में था तो मैंने लगा दिया, मैं 2 लगाता हूँ बट यहाँ पर 1 ही है तो मैंने 1 लगा दिया। बाकी आप ख़रीद लो, 200-300-400 रुपये लगेंगे, बट आपका बेंच एंड आर्च में आपको बहुत हेल्प होगा। तो जो भी भाई लोग पूछते हो कि भाई आप बैंड क्यों यूज़ करते हो, आर्च के लिए करते हैं, सो दैट आर्च स्टेबल रहे। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं धीरे धीरे वार्म अप, जैसे जैसे होगा आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइस ये 100 kg, इसमें करना है 3 रेप, देखते हैं कैसा होता है। लिफ्ट थोड़ा सा रैक इसका ऊपर है, इसलिए मैंने भैया को बोला कि सपोर्ट दो, बाकी बढ़िया था। गुड जी, परफेक्ट। Yes, one. Good. 1, 2, 3. Good. Up. Perfect. Chop. Leave. So guys, वो था 120 kg, अभी मैं 140 लेने वाला हूँ। बाकी compare to 2 दिन पहले मैंने जो bench किया था, फटीक है अभी थोड़ा, बट 140-150 आना चाहिए। एंड मेन सीन ये है कि आप देखो, ये जो बेंच है ना, इधर जब हाथ भी कर रहा हूँ ना तो ये प्रेस हो जा रहा है, तो मैं जब बार लेके, बार मेरा अंदर आ रहा है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ बार को, तो मेरा बॉडी थोड़ा सा डाउन हो जा रहा है, क्योंकि बेंच कुशन हार्ड नहीं है थोड़ा।
बट मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला आपको वीडियो के कि आपको मर्से जिम में जाते हो तो आपको ये सब चीज़ दिमाग से निकाल देना है, जो भी है उसमें प्रेस करना है, उसमें ही कम्पीट करना है एंड उसमें ही लिफ्ट करना है। बाकी ये 140 केजी, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे 2-3 मिनट, बाकी इसको भी उड़ाएंगे जैसे 120 को उड़ाए थे। लेट्स गो। सो गाइस, ये था टॉप सेट। मैंने जैसे बोला कि वो बेंच थोड़ा सा नीचे दब जा रहा है, बाकी ये बस सिर्फ 140 केजी था, थोड़ा सा ग्राइंडर आया एंड इसके ऊपर नहीं जा रहे। 150 कर सकता था मैं, मतलब 45 हो जाता, 150 नहीं होता, तो अब मैं रिस्क नहीं लूँगा ऊपर जाने का। यहाँ तक था आज का ट्रेनिंग, ये टॉप सेट था। अभी बैक डाउन और कुछ बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है, शोल्डर ट्रेन करूँगा इसके बाद, तो वो दिखाते हैं। बाकी मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अब जब भी कमर्शियल जिम में जाते हो, दूसरे जिम में जाते हो, तो बेंच वगैरह सेटअप सही नहीं रहता है। जैसे आर्च करके उठाने में भी भाई मुझे अनरैक करके दे रहा था, तो मेरा ये शोल्डर जो ऐसे रिट्रैक्ट करते हो वो खुल जा रहा है। बाकी ये सब एक्सक्यूज़ है, मुझे पता है पावर लिफ्टिंग जिम में मैं कितना लिफ्ट करता हूँ, पावर लिफ्टिंग प्लेट्स में कितना करता हूँ, तो वो मैटर करता है। बाकी चलते हैं, एक सेट बैक डाउन करूँगा और उसके बाद शोल्डर का एक्सरसाइज दिखाते हैं एंड लास्ट में करंट कंडीशन बॉडी का है वो भी दिखाऊंगा। लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे होता वर्कआउट कंप्लीट आज का, बहुत बढ़िया मज़ा आया। मैंने मोस्टली बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज की, शोल्डर की, ट्राइसेप की एंड पंप, बहुत बढ़िया आया। बाकी मैं पोस्ट वर्कआउट में हर समय एक सप्लीमेंट ऐड करता हूँ, जो मैं आपको भी बताता हूँ, अगर आप नेचुरली हो या इनहेंस हो, डजंट मैटर। एक जो सप्लीमेंट है जो बहुत सस्ता है एंड बहुत इफेक्टिव है, वो है क्रिएटिन, और ये बिग मसल का क्रिएजिन है। ये इंडिया का ओनली वन क्रिएटिन फार्मूला से बनता है, जिसमें आपको 4 अलग तरह के क्रिएटिन मिलते हैं। आपको इसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रीप्रो, क्रिएटिन नाइट्रेट एंड क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड मिलती है। इससे क्या होता है, हर एक स्कूप में आपको 4 अलग तरीके के क्रिएटिन मिलते हैं, जो कि इंडिया में कोई भी सप्लीमेंट ब्रांड नहीं देती है। बाकी इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है, आप कटिंग में यूज़ कर सकते हो, आप बल्किंग में यूज़ कर सकते हो एंड इसका रिज़ल्ट आपको स्ट्रेंथ, लीन मसल गेन एंड स्टैमिना तीनों में दिखता है। एंड मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसको पोस्ट वर्कआउट में लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी से जो भी क्रिएटिन स्टोर रहता है वो निकल जाता है एंड आप पोस्ट वर्कआउट में लेते हो तो आपकी रिकवरी बहुत बढ़िया होती है। कुछ नहीं करना, आपको पानी लेना है एंड इसको एक स्कूप डाल देना है। मैं नॉर्मली 2 स्कूप लेता हूँ एंड ये चेरी ब्लास्ट फ्लेवर में भी आता है, तो आपको पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे क्रिएटिन अनफ्लेवर्ड भी होते हैं, आप वो भी ले सकते हो। बाकी मेरा कूपन कोड है BM कुणाल, आप सब बिग मसल के वेबसाइट से कुछ भी खरीदते हो तो भाई का कूपन कोड यूज़ करना। बाकी इसको अपना पोस्ट वर्कआउट में ज़रूर ऐड करना। सो गाइस, यहाँ पे वो वीडियो कंप्लीट। एज प्रॉमिस्ड, अभी तक का जो फिजिक है, मैं अभी वेज डाइट पे हूँ 10 दिन से, तो आपको दिखाने वाला हूँ कि फिजिक कैसा है। थोड़ा स्ट्रेंथ मुझे लगा है कम हुआ है, बट फिजिक आप कमेंट करके बताना कैसा है। तो पोज करते हैं। सो गाइज, यहाँ तक थी वीडियो, होप आपको मज़ा आया होगा देखने में। मुझे ट्रेनिंग करके बहुत मज़ा आता है जब भी मैं डेली आता हूँ, तो ट्राई करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट जिम में जाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, सी यू।